हाँ, नाबम रुंघी जो फर्स्ट एजेंसी काउंसिल मेंबर नेपा देश का और नहीं रह रहा तो हम लोग से हम कुछ धर्मों को छोड़ के चले गए हैं। इन्होंने एजेंसी काउंसिल मेंबर बन के पूरा निशी समाज के सबसे पहले एजेंसी काउंसिल मेंबर हो रहे और ये आज जो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, इन्होंने ईटानगर यहाँ कैपिटल खोलने में, राजधानी खोलने में उनका ही पूरा हाथ था। इसीलिए इनको अरुणाचल ईटानगर का आर्किटेक्ट बोला जाए और पूरे समाज, पूरे निशी समाज तथा पूरा अरुणाचल वासियों, हमें बहुत दुख है। लेकिन इन्होंने जो कंट्रीब्यूट करके गए, देखे गए हम लोगों को, वो जन्म तक कोई उसको नहीं भूलेगा। ये हर इंसान जो भी अच्छा काम किया है, अच्छा काम करके गया है, हर इंसान को सम्मान मिलना चाहिए, उसका जगह मिलना चाहिए। जैसे दुनिया में लोगों को करते हैं ऐसे करना होगा और करेगा, चाहे सरकार कहीं भी हो, किसी का भी हो, इसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है। जो भी अच्छा कर्म किया देश के लिए, समाज के लिए और प्रदेश के लिए, उसका नाम हमेशा रहेगा, अमर रहेगा और उसके लिए जगह कोई का कमी नहीं होगा। चाहे यूपिया हो या ईटानगर हो, कोई भी अरुणाचल को, कोई भी कोने में जहाँ भी जमीन उसके लिए शुद्ध लगेगा, वहाँ जमीन मिलेगा। एक डिमांड लोगों में निकल के आ रहा है, कल और आज का बीच में 12 घंटा हो गया उनका देहांत का, उनका एक स्टैचू बनाया जाए कैपिटल कॉम्प्लेक्स में या पापुमपारे डिस्ट्रिक्ट में कहीं में, वो भी बनेगा। सरकार से अनुरोध करेंगे, जहाँ से ही समय में निर्णय करके, जहाँ अच्छा जगह होगा, जहाँ जैसे चुनेगा उस हिसाब से बना सकते हैं, बनाएंगे। थैंक यू सर। तो आज का दिन तो बहुत दुखी का दिन है। हमारे जो बुजुर्ग थे, लेट नाबम रुंघी जो चाचा रहा हम लोग का, एक ही काउंसिलर जो कि बचे हुए थे, तो कल 9 बजे रात को 18-11 को उनका देहांत हो गया। आज वो इस दुनिया में नहीं है। उनका जन्म 1935 मार्च 20 1935 को हुआ था। तो इन्होंने ही आज हमारा जितना भी निशी सोसाइटी है, आदर सोसाइटी को भी एनलाइटन किया। क्यों किया? ये ईटानगर कैपिटल को इस्टेब्लिश करने में उनका जोर जोर से उनका कंट्रीब्यूशन रहा। यहाँ से इटा फोर्ट से एक ईटा लेके शिलोंग से ले आके दिखा के हर एक ऑफिसर्स को, वहाँ अथॉरिटीज को दिखा के, वहाँ अप्रूव करा के आज इस ईटानगर में जो हम लोग डेवलपमेंट दिखाई दे रहा है और बहुत सा कुछ और आने वाला है, इसके बदौलत से जो आज हमारे साथ नहीं है। कल उन अभी ये हमारा बड़ा भाई नाबम रुंघी का जो जन्म हुआ था आपका बोगब्या में, इसका माँ का, पिताजी का नाम है नाबम ताजी है और माँ का नाम है नाबम यामर है। और ये एक हमारा ये काउंसलर बोल के नहीं है, पहले वो हमारा काउंसलर करने के बाद में हमारा ये पपम पारे का एक हेड गांग बोरा ये था और ये अच्छा से वो जांच करने वाला था। इतना केस के लिए हमारा कस्टमरी लॉ में वो इतना एक्सपर्ट आदमी था, इसलिए हम लोग अभी हम लोग बीच में यहाँ नहीं है, हम लोग का यहाँ से हो गया और इसलिए हम लोग का बहुत दुखी है। जितने के साथ साथ उनको एजेंसी काउंसिल बन गया, तो एजेंसी काउंसिल बनने के बाद उसके बाद
बहुत सारा काम किया है हमारा सगाली एरिया में, स्कूल लाया है, रास्ता को बहुत सारा जगह को रास्ता कनेक्ट करवा दिया है। इवन इसके स्टेट स्टेट में अभी खड़े तो स्टेट में पूरा ये कैपिटल को लेके आया इधर। वो इवन 1967 फर्स्ट असेंबली सेशन में शिलोंग में जब होते समय उनको ये कैबिनेट ये बना गया था ना, ये कमेटी बना गया, इसको कमेटी कैपिटल सर्चिंग कमेटी बना गया। तो इन इस तरह से इसी का तरह से आज ऐसे हो के वो कैपिटल जो इधर आ गया ना। तो जो आज हम लोग यूपी में सब आए हुए हैं, जितना भी रिश्तेदार भाई भैया चाचा चाची सब मिल के हम ये दुखद घड़ी में बहुत ही दिल दुख से हम लोग ये इसका जो गुजर जाने का बहुत दुखद मना रहा है। और इसमें ये रुंकी बल्कि एक अच्छा इंसान सिर्फ नहीं, एक फर्स्ट एजेंसी काउंसिल मेंबर था नेपा का समय में 1969 टू 1972 में, और जिस तहत में उसका कार्यकाल में ये जो ईटानगर जो कैपिटल का निर्णय और गठन हुआ था, इसलिए आज हम लोग उसको उसका उस पीढ़ी को भी याद करता है। उसने जो काम करके किया हमारा जो आने वाले पीढ़ी के लिए ईटानगर में जो कैपिटल को सेटअप किया उसका वो सिर्फ बल्कि नहीं कि वो जो है एक अनपढ़ और एक भी पढ़ा लिखा नहीं फिर भी ये चीज़ को दिल्ली में इंदिरा गांधी से मिला, फिर शिलोंग में बी के नेहरू के साथ मिल के जो आज इधर में जो कैपिटल का गठन किया उसमें उसका बहुत बड़ा योगदान है।